एंड यस आई नो कि तुम सिर्फ अनिरुद्ध से प्यार करती हो, उसके अलावा तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, और अगर कभी तुमने इसका उल्टा भी कहा तो हम दोनों जानते हैं कि वो झूठ होगा। तो यस मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है, लेकिन लेकिन ये दोस्ती सिर्फ मेरे लिए रहे। आदित्य वो शूट पर, अगर शॉट रेडी होता तो वो मैं बुला लेते जनक। नहीं मतलब कोई और तो शूट कर रहा होगा ना अभी, तो हम देखते हैं ना कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। अब तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो जनक, और हाँ वो कोलकाता का जो एड शूट है उनका कॉल आएगा तो मैं उनसे बात करके पूरी डिटेल्स ले लूंगा, तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। हो सकता है कि उनका सिर्फ दो ही दिन का शूट हो, I'm sure वो लोग तुम्हें भी कॉल कर देंगे। ठीक है आदित्य, आप बोल रहे हैं और हमारी एक दोस्ती के नाते मैं कोलकाता शूट करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। और अब झनक को आदित्य के साथ भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा है, पर अब जाएगी वो भी कोलकाता, ये तो निश्चित है। ठीक है, तुम्हें बाकी लोगों का शूट देखने का बड़ा शौक था तो आ जाओ, चलते हैं हम लोगों का भी शूट देख लेते हैं। कब? पर आज जहां झनक मुंबई में आदित्य के साथ शूट कर भी रही है और देख भी रही है, वहीं दूर कोलकाता में एकदम ठहरा हुआ है, सन्नाटा है सब कुछ। अनी के लिए कोई हलचल नहीं आज घर में, उसके कमरे में अकेला खड़ा अनी देख रहा है ये दुनिया को, और बस तड़प उठा है उसे मिलने के लिए जिस झनक के लिए वो जीता रहा, आज वो मरने के लिए भी तैयार है। और क्या झनक तड़प रही है अनी के लिए भी वैसे ही, क्योंकि दूरियां तो वही है पर प्रेम उससे भी बढ़कर। सर जी मेरी तरफ देखिए एक बार आगे खोलिए, एक बार मेरी तरफ देखिए, एक बार प्लीज प्लीज आगे खोलिए ना। सर जी छोटा, सर जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे, वो ठीक तो हो जाएंगे ना। अरे बोलिए ना छोटा, चुप क्यों है आप? बड़बोधी सबको बता दो घर पे, अनी आईसीयू में, उसे सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। छोटो जैसे भी हो हमें सर जी को बचाना ही होगा। तो क्या अब जो झनक मुंबई से कोलकाता शूट के लिए बस कुछ दिनों के लिए आई थी वापस जा पाएगी अनी को छोड़कर, या उसी में समा जाएगी? देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।